हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, मेरे आंखों में आंसू आ गए, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, हमारे साथ बैन अल-अक़वामी साजिश हो गई। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है और हिंदुस्तान की साजिश की वजह से हम फंस गए। क्या ने तो आंखें भी खूब दिखाई IMF को, और उसके बाद मिन्नतें तरले भी खूब किए, तब जाकर बात बनी। मुल्क दुश्मनों को एक वाज़े पैगाम है, जो कि मुल्क के बाहर रह रहे हैं, और जो मुल्क के अंदर उनके सहूलतकार बने हुए हैं उनको भी एक वाज़े पैगाम है, जो पाकिस्तान को बदनाम करने की एक मज़मूम साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। क्या कहेंगे? चंद्रयान पे चले गए, उन्होंने आदित्य वन सूरज पे भेज दिया, 4 ट्रिलियन बना लिया उन्होंने, ऋषि सुनक खड़ा कर दिया उन्होंने, कैमला हैरिस बना दी उन्होंने, निक्की हेली बना दी उन्होंने, 5 कांग्रेसमैन अमेरिका में बना दिए उन्होंने, कनाडा वाले पांव चाट तलवे चाट रहे हैं। काश इतनी तवज्जो साइंस पर लगाते तो हम भी चांद पर होते। बात तो सही है। अल्लाह रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया यार, कैसे। फिल्में आपने इंडिया की देखनी, बंदा आपको सलमान खान पसंद है, कंगना आपको सबसे प्यारी लगती है, हैं बाल आपने कटवाने उस जैसे ऋतिक जैसे, हां कभी गजनी बनना बच्चों ने, और इंडिया को आपने बुरा भला कहना। कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बनाया। IMF हमें तिगनी का नाच नचा रही है, IMF हमारा नाक रगड़वा रही है। सुना दोस्तों आपने, जब शहबाज शरीफ भीख मांग रहा था IMF की जो बॉस है ना वो लेडी उससे भीख मांग रहा था, उसके पैरों पे इसने अपना सर रख दिया। हमारी तारीख में पहली बार तो नहीं हो रहा। नहीं। तो सब सिर्फ ये फरमाइए कि क्या पाकिस्तान ने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए कि आइंदा भारत कम से कम पाकिस्तान में हमारे जवानों को, अफसरों को, लोगों को चाहिए। हर तीसरे दिन शहादतें हो रही हैं हमारे अफसरों की, जवानों की। कॉन्ग्रेचुलेशन। भला सोचिए, जिस मुल्क की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल हो, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए मुआशी इंकलाब लाने की बजाय आटे चीनी की कतारों में लगे अवाम की जो हैसियत है वो तमाशाई से ज्यादा नहीं रही। कटोरा लेकर घूमोगे भी नहीं मिले। आप मुझे खुद बताओ यार, आप मुझे खुद बताओ, क्या आपका लॉजिक है? आप इंडिया का गिरेबान और इंडिया को साजिशी बोलते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर CEOs जो लगाए सर, कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके CEOs जो काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बल्कि मैं खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि उन्होंने जब चंद्रयान ऊपर भेजा था, उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है उस बंदे का नाम सोमनाथ है। ये जो पठानों ने जा जाके सोमनाथ करते हैं, उन्होंने दुनिया से इंतकाम ले लिया उन्होंने। लेकिन आप कहाँ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। तालीम की वजह से उन्होंने दुनिया से इंतकाम लिया है। मैं बहुत खुश हूं उन्होंने दुनिया से इंतकाम लिया। हिंदुस्तान तो हमारा दुश्मन है, उसका काम साजिश करना ही है। इसमें क्या कोई दो राय हो सकती है? कोई नया मार्का मार लिया हमने कि हमें पता लगा है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है? नहीं। इसमें क्या कोई बहुत सुपर इंटेलिजेंट होने की जरूरत है कि आपको पता लग गया कि हिंदुस्तान आपका दुश्मन है? नहीं। कोई आप बहुत शाणे, कोई बहुत उस्ताद हो जो आपको पता लगा कि आज हिंदुस्तान आपका दुश्मन है और आपके खिलाफ साजिश कर रहा है? ये कैसे आपको समझाएं भाई, हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, उसका काम आपके खिलाफ साजिश करना है। आप काउंटर साजिश करो, आप काउंटर साजिश करो। देखो, कोई भी साजिश करेगा आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा होगा, आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी है। क्या हम अपनी गलतियों को गलती समझते नहीं है, या फिर इनसे सीख कर हम आगे बढ़ना नहीं चाहते? अंग्रेजी तो तुम्हें पढ़नी आती नहीं है, ना तुम्हारे यहाँ तजियाकारों को अंग्रेजी पढ़नी आती है, ना मईशत दानों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए पढ़नी आती है। मैंने तो एक अच्छी ट्रिक सीखी है अपने बुजुर्गों से, जहां आप पब्लिक के अंदर आपको कुछ समझ ना आ रही हो, अंग्रेजी में शुरू हो जाए, पूरा पाकिस्तान चुप, क्योंकि अंग्रेजी तो इनको टकेगी आती नहीं है। हेलो, हाय, हाउ आर यू, व्हाट, नो, व्हाट्सएप के अलावा इनको आती नहीं है। सिर्फ लड़कियों के साथ इनकी अंग्रेजी चलती है, उसके अलावा इनकी बोलती बंद हो जाती है ना, वरना ये देश शेक्सपियर की कवर पे लाते मारते हो फ्लाइंग किक जैकी चैन की तरह। अंग्रेजी इनको पढ़नी आती नहीं ना, पढ़ा बड़ा है नहीं क्या? सही पकड़े हैं। कभी रोना आता है, कभी हंसी आती है। किसान बना तो लुटा पुटा मुल्क था, कख नहीं था लोगों के पल्ले। भारत जो है वो टोटली हर चीज अमेरिका की मर्जी से उनको देता भी। आप तो हर चीज दे देते हैं ना, आपसे तो आज अमेरिका अड्डे मांगे, एक मांगे आपने दो दे देने, उससे तो भारत तो ना दे, वो तो सोचते हैं। उन्होंने UNO उन्होंने उनको सिक्योरिटी काउंसिल प्लस की या UN प्लस उन्होंने ऑफर की थी, उन्होंने कहा नहीं हमें सूट नहीं करती, छोड़ दिया उन्होंने। आपको $72 मिलियन Washington DC में लोग अपनी गाड़ियों के डिग्गी में लेके फिर रहे होते हैं, आप 72 मिलियन के लिए उनके तलवे चाट रहे हैं।
इमरान दुश्मन है पाकिस्तान के, डिस्को डांस भंगड़ा। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा टास्क फोर्स बनाई हुई, आपको पता है पोस्ट कारगिल इंडिया ने हमारे खिलाफ एक पूरी टास्क फोर्स बनाई जिसका एम यह था कि पाकिस्तान को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के पाकिस्तान के तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को नोट किया जाए, चेक किया जाए और बैन अल-अक़वामी दुनिया को यह बावर कराया जाए कि पाकिस्तान किसी तरह कनेक्टेड है इंडिया के अंदर टेररिज्म करने के लिए। एक बाकायदा उन्होंने टास्क फोर्स बनाई, ठीक है, उसमें उन्होंने सही किया गलत किया। आपने कौन सी टास्क फोर्स बनाई इंडिया के खिलाफ, सिवाय ये कि चार छह आपने लोग छोड़ दिए, उनका पूरा दिन काम ही है इंडिया के खिलाफ बातें कर ली। सारा मुल्क गिर भी है, इधर है गिर भी, जो दो टांगों वाले जानवर इस मुल्क में फिर रहे हैं वो गिर भी, जो अभी पैदा होने हैं वो भी गिर भी, और ह्यूमन मटेरियल जो जिस किस्म का है, जिस लेवल का है, और इससे ज्यादा घटिया क्या अप्रोच हो सकती है। बढ़िया था गुरु खान जो वहां से टैक्स भरेंगे, ये तो राफेल उन्हीं पैसों से खरीदा गया ना, नहीं ये तो सर राफेल इंडिया के टैक्स पेयर के पैसों से लिया गया है, जिस इंडिया में टैक्स भरा है राफेल अली खान ने। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।